एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ शर्मा एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस, स्वागत है आप सभी का दोबारा से। और आज है हमारा डे वन इन देहरादून। हम रुके हुए हैं, जैसा कि आपको बताया, अपनी बुआ जी के घर रुके हुए हैं। और सबसे पहले मैं आपको घर दिखा देता हूँ। आज हम घूमने भी जा रहे हैं, वो भी आपको बताएंगे, बट सबसे पहले घर का टूर करवा देते हैं। ओके, तो गाइस फाइनली वी हैव प्लान कि हम जा रहे हैं देहरादून के फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI, जहाँ पर काफ़ी सारी मूवीज की शूटिंग वगैरह हुई है और सॉन्ग्स की शूटिंग आए दिन होती रहती है। कैसे जाते हैं क्लॉक टावर से? कैसे जाएं? क्लॉक टावर से सीधे पकड़ो सड़क। कौन सी वाली? और कितने दिमाग निकलो। राइट में FRI की बाउंड्री शुरू हो चुकी है। देखो सीधे दिखाएगा भैया वो FRI। FRI के पीछे कितने भयंकर वो हैं बादल। टिकट ले लिया है हमने पर पर्सन 15 रुपए का और गड्डी का हमारी 90 + 40 = 130। अंदर जाकर म्यूजियम का हमें टिकट लेना पड़ेगा, लेकिन हम पहले अंदर चलते हैं। हमने फाइनली कार खड़ी कर दी है पार्किंग में और अब हम जा रहे हैं FRI के अंदर। दिस इज़ अ टिकट और हमने ले लिया है म्यूज़ियम का टिकट। हम जा रहे हैं FRI के म्यूज़ियम में। फर्स्ट है फॉरेस्ट पैथोलॉजी म्यूज़ियम, सबसे पहले हमें यहाँ जाना है। गाइस म्यूज़ियम का फ़ोटो नहीं ले सकते हम म्यूज़ियम के अंदर, इसलिए हम अंदर नहीं ले जा पा रहे हैं फ़ोन। ओके, सो दिस इज़ द मेन व्यू, फ्रंट व्यू ऑफ FRI। देखिए आप सब देख सकते हो क्या सुंदर जगह है। देखिए काफ़ी सारे लोग आए हैं, टूरिस्ट यहाँ पर बहुत सारे हैं।
टूरिस्ट की यहाँ पर बिल्कुल कमी नहीं है, खूब हैं। देखिए हर जगह टूरिस्ट ही टूरिस्ट। ब्रायंट मार गाइस, फाइनली हम ले रहे हैं, फोटो शूट कर रहे हैं, बहुत तगड़ा वाला चल रहा है सबका, और सारे फोटो शूट कर रहे हैं, रील वगैरह बनवा रहे हैं। बहुत ज़्यादा धूप हो रखी है, बट बहुत अच्छा व्यू है, देखिए पीछे बहुत ही प्यारा व्यू। और तो अभी हम पूछते हैं एक्सपीरियंस कैसा रहा। कोमत, तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा? पाड़ू पाड़ू में जी लगाओ, पाड़ू जी। तो फाइनली FRI से घूमकर हम सभी जा रहे हैं। अब हम सब कहाँ जा रहे हैं? टपकेश्वर जा रहे हैं अपनी लॉर्ड ऑल्टो से। तो गाइस FRI से निकलते ही कुछ दूर चलते ही हम आ गए हैं देहरादून के टपकेश्वर मंदिर पे, जो कि बहुत फेमस मंदिर है। तो आइए आपको भी उसके दर्शन कराते हैं। ये देखिए वहाँ से सीढ़ियाँ हैं और ये बीच में एक नदी है। अंदर एक जगह वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, वहाँ का आप नहीं बना पाए वीडियो, बट यही था, मैंने दिखा दिया जितना था। और देखिए यहाँ पे नदी एक छोटी सी, बहुत बड़ी है मतलब। देखिए हम आ गए हैं, ये देखिए पानी कितना ट्रांसपेरेंट लग रहा है और कितना साफ है, पूरा तला दिख रहा है, मतलब ये है शुद्ध पानी उत्तराखंड की वादियों से निकल कर आया। कितनी प्यारी नदी है यार, कितनी प्यारी नदी है भाई, यार मजा आ गया, बहुत मजा आ रहा है। देखो पीछे पहाड़ मेरे कैसे हैं। देखो उधर भी लोग नहा रहे हैं, नहा भी रहे हैं कुछ लोग, फोटो खिंचवा रहे हैं उधर बहुत। देखिए अभी इस नदी में छोटू छोटू सा पानी है। कितना सुंदर है यार मंदिर। देखो उधर भी गए हुए हैं लोग गाइस, इतने दूर चलो ग्वाला, हम उधर जा रहे हैं गाइस सामने। इन लोगों को देखो कहाँ पहुंच गए, बाढ़ आ गई तो सब खत्म एक साथ।
तो अब हम एक गुफा में आ चुके हैं। ओ आजा। बोल वैष्णो माता की जय हो। कहाँ? अंदर आजा। अरे आ, प्रिंसी आने में डर रही है। आजा भैया, हमारे लिए लाइट है। बोल वैष्णो माता की। उरी मम्मी, उरी मम्मी। ओह, बहुत छोटा है। तो गाइस देखिए, ये था पूरा, आपने देखा, टपकेश्वर महादेव मंदिर देहरादून का। काफ़ी अच्छा था, बड़े मज़े आए। अब हम जा रहे हैं वापस। अब हमें ये नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं अभी, क्योंकि 6:30 ही बजे हैं सुबह। हाँ गाइस, हम लोग जा रहे हैं पलटन बाज़ार। एक्चुअली मुझे कुछ लेना था, तो अब और सिद्धू जा रहे हैं। हम जा रहे हैं स्कूटी। गाइस ये है पलटन बाजार देहरादून का, और देखिए हम यहाँ पर कुछ खरीदारी करने आ रखे हैं, बट अभी हमें कुछ अच्छा मिल नहीं रहा है। कोमो जी ने ले लिया है क्रॉक्स, और मैंने ले लिया है एक टी शर्ट, और फिर हम खा रहे हैं जेम्स की आइसक्रीम। मैं दिखाता हूँ हम कहाँ पर हैं। देखिए ये है क्लॉक टावर, और इसे कहते हैं पलटन बाज़ार, यहाँ से स्टार्ट होता है। गाइस फाइनली वी आर लीविंग फ्रॉम फाजिल्का बाज़ार। हेलो गाइस, तो अब हम ये कर रहे हैं एंडिंग ब्लॉग की। तो ये था हमारा आज का टूर। तो देहरादून, मतलब देहरादून इज फुल ऑफ प्लेसेस टू ट्रैवल, ठीक है। तो आप लोग अगर कभी आओ तो यहाँ दोनों जगह FRI और टपकेश्वर मंदिर ज़रूर जाइएगा। बाकी हमारे साथ बने रहिए, हम कल आपको और भी नई नई जगह लेकर जाएंगे। और जिसको ब्लॉग अच्छा लगा हो वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। और गाइस प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि हमारा डाटा बताता है कि लोग देखते तो हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, फ्री की चीज़ है, सपोर्ट अस प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। सब्सक्राइब से क्या होगा कि जो भी चीज़ें आपको सबसे पहले जल्दी मिल जाएगी, बस ये होगा। ठीक है, ओके, बाय, थैंक यू।